ये देखो तीसरा चौथा बढ़िया लग रहा है, लेकिन जहाँ एक नंबर, ये देख रहे हो कैसे ये देखो मतलब ये गड़बड़ी है। राम राम जी, गाड़ी स्टार्ट कर दी, देखना कितना मजेदार प्रॉब्लम, क्लच बढ़िया काम कर रहा है। ये देखो तीसरा चौथा पांचवा बैक नहीं लग रहा ना, तीसरा चौथा फंस गया, निकल गया ना, फंस रहा है कब, ये देखो फंस गया, ये फ्री हो गया, अब सही लग रहा है। ये देखो ये गड़बड़ हो गया, तीसरा चौथा सही है। ये देखो इसका मतलब क्या है, कुछ वायर से प्रॉब्लम नहीं है, वायर से प्रॉब्लम रहता तो सारे गियर गड़बड़ करते। ये देखो तीसरा चौथा बढ़िया लग रहा है, लेकिन जहां एक नंबर, ये देख रहे हो कैसे ये देखो मतलब ये गड़बड़ी है। आगे से चेक करते हैं क्या कहानी। बैटरी खोलो जरा, अभी बैटरी वो खुलवा दी, ये वायर खुलवा दी, अभी हाल फिलहाल ही काम करवाया गया, ये कब काम कराया, ये हाल फिलहाल ही करवाया, नया तार वार लग रहा है, पूछो जरा। ये देखो गियर के अंदर, यहाँ देखो समझो, देख रहे हो ना ऊपर कर रहे तो जा रहा है, लेकिन इतना नीचे भी जाना चाहिए, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं आ रहा है, समझ रहे हो प्रॉब्लम, बैठा ही रह जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी देखो गियर लगाया न्यूट्रल, फिर गियर लगाया, लेकिन अपने आप न्यूट्रल होना चाहिए, कमी है गाड़ी के अंदर, तो ठीक है इसको गियर को पूरा बखेरो कि क्या कमी है। भाई गियर ऑल निकाली है, गियर ऑल का बोल्ट खोला है, ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये हटाओ जरा पहले, ये क्या है मालूम, ये कोई चीज बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी है, अंदर कचरा हो गया, पहले खोलो उसके बाद देखते हैं कि क्या कहानी है, कहाँ पंगा है। भाई गियर को खोल लिए हमने, गियर बाहर निकल गया है, और ये रहा गियर, हाँ यही ठीक है, चलो। अरे तेरी यार उठाना जरा, वो भाई ये क्या है, सारा कचरा है, इसको खोलो पलटे को, पहले ये खोलो ये, और इसको खोलो कटोरे को, नट बोल्ट सारे बाहर से बखेरो जरा जल्दी से, देख रहे नहीं, ये बैरिंग भी टूटी है, हम जानेंगे कि ये खराबी क्यों आई, पहले तो देख लें क्या खराबी आई है, उसको जानेंगे कारण क्या है इसका, खोलो बखेरो जरा इसको सारे को, क्या कहानी है इसकी, कुछ तो टूटा है। तो अभी बाहर निकाली है, इसके अंदर सर्च करो कि क्या चीज़ टूटा है, ठीक है, बाकी वो दिख रहा है कोने में, ये देखो तेज चीज़ें टूटी है गियर के अंदर। अब ये चीज़ें है क्या, वो है बैरिंग, बैरिंग कौन सा टूटा है, इसका बैरिंग जब फ्रेश है तो इसके नीचे वाला जो बैरिंग है वो टूटा होगा ज़रूर, क्योंकि उसके अंदर ए वाला बैरिंग नहीं होता, ये देख रहे हो ना छर्रे वाले, और इसके अंदर दूसरा बैरिंग होता गोल छर्रे वाले, लेकिन ये लंबे छर्रे रोलर बैरिंग है, तो रोलर बैरिंग इसी काउंटर में नीचे है, तो इसको भी बाहर निकालो जरा। ओए हाय हाय ओ भाई मेरे, हटाओ इसे, चलो भाई उस गाड़ी को फिट करो, चलो जाओ। ये कहानी ख़राब हुई है, ये बैरिंग टूटा है, देख सकते हैं ना, ये बैरिंग टूटा है मेन काउंटर की, ये देख सकते हैं गरारी भी टूट गई है, यहाँ बैरिंग टूटा तो है, लेकिन बैरिंग टूटा क्यों, इस चीज़ को अब सर्च करेंगे। इसको क्राउन को बाहर निकालना भाई, बस क्राउन में किसी तरह का दिक्कत, इसका गियर ऑल लेके आओ जरा, गियर ऑल कहाँ रखे हो, गियर ऑल लेके आओ, ये लोहे है क्या है, ये बैरिंग है, कौन सा बैरिंग है, रोलर बैरिंग है, जैसे देख रहे हो ना ये बैरिंग होती है ना छर्रे लंबे लंबे, वैसे ही इधर भी लंबे लंबे छर्रे होते हैं, तो सारे छर्रे हैं, ये देख रहे हो ना, ये तो ये बैरिंग टूटा है, गियर ऑल तो बदला ही नहीं गया काफी दिनों से सर, नहीं नहीं बदला गया सर, ये देखो तो भी डलवाया मैंने, जब भी क्लिच बदलवाया, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो रहा है, ऐसा गियर ऑल नहीं होता है सर, ये खराब हो जाए वो अलग, ये खराब है इसकी वजह से कहानी नाश हुई है बैरिंग का, नहीं नया तो डल जाएगा, लेकिन ये गियर ऑयल चेंज नहीं हुआ इसकी वजह से, पता है क्या होता है ना, गियर ऑयल के अंदर देखो संकुनाइजर रिंग के वो हैं बुरादे हैं, ये संकुनाइजर रिंग के बुरादे समय के साथ 50,000 पे आ जाते हैं, अब 50,000 तक भी गियर ऑयल चेंज नहीं हुआ तो क्या होता है, वो बुरादे इस बैरिंगों में लगते हैं, ये छर्रे वाले बैरिंग एक कटने लगते हैं, एक बैरिंग कटा
वाइब्रेशन आती है, वाइब्रेशन की वजह से वियर एंड टियर ज़्यादा हो जाता है और वायरिंग पूरी नाश हो जाती है। तो सिर्फ गियर ऑयल की कमी की वजह से डेड हुआ है। ठीक, तो पहले आवाज़ भी करा होगा इसने कुछ, कल ही हुआ जो हुआ वैसे एकदम अचानक से ही। अच्छा, अन्य ऐसा होता तो मैं तो खुद ही बिल्कुल। तो ये देख रहे हो ना, गरारी कट की है, तो कोई बड़ा कड़ जो है ना इसके बीच में आ गया, ये बैरिंग का टूटा हुआ, हाँ इसी का ये, तो कल से डैमेज हो गया ज़्यादा। ये देखो यहाँ पे आ गया होगा, लेकिन ये बैरिंग टूटा है सिर्फ गियर ऑयल ना बदलने की वजह से। गियर ऑयल की कंडीशन से ही पता पड़ रहा है कि मुझे लग रहा नहीं बदला हुआ है, 30,000 ही होगा से चलते हुए। तो अपने आँखों के सामने चेंज कराए थे या फिर? नहीं, मैंने अपनी आँखों के सामने बहुत जो भी बात है, लेकिन ये 30,000 से ज़्यादा चला हुआ गियर ऑयल है, मुझे पता है 30,000 में तो गियर ऑयल बिल्कुल नया सा रहता है। 1,65,000 कितने पे गियर ऑयल चेंज कराते हैं? कितने कितने पे गियर ऑयल चेंज कराते हैं? 30,000 पे? नहीं, पिछली बार 40 पे करवाया था, 95 थी, जब दो बार चेंज कराया जब से गाड़ी निकल ली। अब सुन दे, ये गियर ऑयल की वजह से ये बैरिंग डैमेज हुए हैं। कभी भी गियर ऑयल क्या होता है ना, एक चेक करना होता है गियर ऑयल। 4,000 का तो लिमिट मुझे पता है कि यहाँ 50,000 पे करवा ही लेते हैं गियर ऑयल। गियर ऑयल पता है क्या है ना, सिर्फ गियर ऑयल खराब होता किस वजह से, इसके अंदर कोई खराब करने वाला गियर ऑयल के अंदर कुछ नहीं है। ये जो पीतल के रिंग है ना, सिंक्रोनाइजर रिंग, ये देखो लूज हो गया ना, तो ये कटते हैं, बस पीतल का रिंग कटता और लोहा हुआ कुछ नहीं कटता। लेकिन पीतल के रिंग के जो बुरादे हैं ना, वो इस बैरिंग के छर्रे को, ये भी बैरिंग खराब है। ये तो देखो, ये देख रहे हो ना कैसे अटक रहा है, ये भी बैरिंग खराब है। ठीक है, तो गियर ऑयल की वजह से नाश हुआ है और यही कारण था गियर ऑयल नहीं लग रहा था। तो अब इस गियर ऑयल का क्या है, इस गियर का रिपेयरिंग का क्या चक्कर है कि एक तो मेन का दांते टूट गया, क्रेक हो गया, ये वाइब्रेशन करेगा, ये देख रहे हैं ना, इधर भी दांते घिस गया है। ये देखो पास में दिखा लो जरा, ये दांते देख रहे हैं ना, पूरा घिस गया है इधर का, ठीक है, और इधर दांते भी क्रेक हो गया है, एक टूट गया है दांते। तो एक से खैर टूटने से नहीं होता है, लेकिन ये फैल गया है टूट के, तो ये दूसरी गरारी को क्या करेगा, वो डिस्टर्ब करेगा इसको। तो इसको मैं चेक करता हूँ एक बार, इसकी क्या कहानी है भाई, ये दिखाओ जरा। तो एक क्राउन भी जो है ना, ये भी डैमेज हो गया है, ये बाहर निकल गया ना चटक के। ठीक है, और कुछ है क्या? ये की है, एक सेकंड जरा। ठीक है, डिफरेंशियल ठीक है, हाँ पूरा घिस गया है, ख़त्म हो गया, इसीलिए बैक गियर भी नहीं लग रहा था, ये पूरा डेड हो गया है। तो एक दो तीन, तीन आइटम, ये सिंक्रोनाइजर रिंग, तो 1500 का एक सिंक्रोनाइजर रिंग है, तो 5 सिंक्रोनाइजर रिंग कितना हुआ? ये तो 350 वाला है, 1500, ये 1500 रिपेयरिंग में ज़्यादा पड़ जाएगा, इससे बढ़िया है पुराना पलटे में गियर बॉक्सर डलवा लो। सही बता रहा हूँ मैं, मायापुरी से एक नंबर का गियर आ जाएगा, पुराना सील्ड पैक, नहीं तो रिपेयरिंग में बहुत पैसे लग जाएंगे। और एक तो इसके बैरिंगों में, सारे बैरिंग में प्रॉब्लम आ गया है, ये महंगे महंगे बैरिंग है, ये 500 1,000 के एक, बहुत खर्चा आएगा इसको रिपेयरिंग में। सील्ड इंजन गियर बक्सा मिल जाएगा मायापुरी में, पता करो। ठीक है, तो पूरा गियर बक्सा मुझे लग रहा है ये बदलने में फ़ायदा है, क्योंकि इस गियर में आवाज़ रहेगा ही रहेगा, रिपेयरिंग में भी काफ़ी पैसे लगेगा, उससे कम दाम में सील्ड गियर बक्सा मिल जाएगा। ठीक है, तो गियर बक्सा ही डालना पड़ेगा। ठीक, ओके, थैंक यू यार, जो था वो आपको दिखाया मैंने।